Hello friends, my name is Lalit Mohan Mishra and I am the student of OT from Impact Paramedical and Health Institute. So guys, today's my topic is how to motivate yourself in lockdown. तो motivate होने से पहले आप सबको अपना mindset positive रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसा सोचते हो ना, आप नहीं तो आप आज नहीं तो कल वैसा जरूर बन जाते हो। तो सोचना ही है तो क्यों ना पॉजिटिव सोचा जाए। मैं जानता हूँ आप सब में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बुरे टाइम पे हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। तो दोस्तों, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। ये जो समय है ना, ये हमारा बुरा टाइम चल रहा है और समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, समय बदलते रहता है। तो ये समय भी बदलेगा, ये जो कोरोना वायरस का जो फेज चल रहा है ना, अभी ये भी ख़त्म होगा और फिर से हम अपनी उस पुरानी लाइफ को, उस नॉर्मल लाइफ को जी पाएंगे। तो दोस्तों, क्यों अपने माइंड सेट में इतनी टेंस लेके जी रहे हैं? और दोस्तों, अब अगली बात मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपने आप को खुद का बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है ना, हम उसका कितना ख्याल रखते हैं, हम उसकी सारी बातों को मानते हैं, है ना। तो हमें अपना बेस्ट फ्रेंड बनना है। और बहुत से डॉक्टर्स लोग और बहुत से जो हमारे मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं, और हमें खुद ही पता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम जब स्ट्रांग रहेगा तो हम अपने आपको कितना सुरक्षित समझ सकते हैं, हमें कोरोना वायरस नहीं पकड़ सकता। आप सबको चीज़ पता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो हमें कोरोना वायरस के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम ऐसा डाइट ले, क्यों ना हम ऐसा न्यूट्रिएंट्स ले कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करे। क्यों ना हम प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सब अच्छे से ले, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से स्ट्रांग रहे। तो दोस्तों, हर चीज़ का एक पॉजिटिव पक्ष भी होता है और एक नेगेटिव पक्ष भी। अब मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसका पॉजिटिव पक्ष क्या है, कितने सारे लोग मर रहे हैं और इससे पॉजिटिव चीज़ क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, हमारे भारत देश में कितना पॉल्यूशन कम हुआ है, हमारा देश पॉल्यूटेड फ्री हो गया है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो या फिर एयर पॉल्यूशन हो। कोरोना वायरस ने हमारे देश के नेताओं को भी एक साथ जोड़ दिया, जो आज से कुछ समय पहले एक दूसरे के अगेंस्ट थे, आज वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। और दोस्तों, आप सबको एक बात और बता देता हूँ, आज हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, अमीर कौन है, गरीब कौन है, आज पता नहीं चलता। सब एक जैसे लाइफ को जी रहे हैं, सब एक जैसे काम कर रहे हैं। तो आखिर में बस मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप हमारे डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की, पुलिस वालों की, आर्मी वालों की सहायता करें। और सहायता आपको कैसे करनी है, सहायता आपको बस घर में कुछ दिन रह के करनी है। आपको कुछ दिन लॉकडाउन को फॉलो करना है। आप अगर इस लॉकडाउन को फॉलो कर जाओगे ना दोस्तों, तो ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। और दोस्तों, किसी एक का लॉकडाउन फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, अगर फॉलो करना है तो हम सबको साथ मिल के करना होगा, तभी हमारा ये कोरोना वायरस हमारे देश से ख़त्म होगा। दोस्तों करना क्या है, घर पे तो रहना है, अरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो ना। ऐसा टाइम ना बहुत कम मिलता है कि जब हम पूरी फैमिली एक साथ मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने फैमिली वालों को टाइम दो, उनके साथ खाना बनाओ, उनके साथ इंजॉय करो, यही तो करना है घर पे बैठ के, और क्या। और सब कुछ तो हमारे पास नॉर्मल चीज़ें आ ही रही है, सरकार हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो टेंशन किस बात की है, घर पर ही रहना है। दोस्तों, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, तो प्लीज़ 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 आप सब घर पे रहो और इस लॉकडाउन को फॉलो करो। धन्यवाद।